अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं अपने किचन में देगी मटन कोरमा बनाऊंगी। एकदम शादियों वाला दानेदार मटन कोरमा बनेगा, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाएगा। यहाँ पर मैंने हाफ के जी मटन लिया है, चाप और बोटियों वाले पीस मैंने करवाए हैं। सबसे पहले इस मटन को मैं मेरीनेट करूंगी। इसमें 2 छोटे चम्मच में धनिया पाउडर डाल देती हूँ, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 और 1/2 छोटा चम्मच में इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी, 1 छोटा चम्मच नमक डाल देती हूँ। नमक हम अपने जायके के मुताबिक भी इस मटन कोरमा में डाल सकते हैं। 2 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्चें और धनिया का पेस्ट है, 5-6 हरी मिर्चें लेकर थोड़े से धनिया पत्ती के साथ इनको मैंने पीस लिया है। 150 ग्राम मैंने दही लिया है। सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं, अब इसको मैं ढक कर 15-20 मिनट के लिए रख दूंगी। इसे अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा। कोरमा में डालने के लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच नारियल का बूरा लिया है, 3 बादाम है और 1 छोटा चम्मच खसखस लिए। इनको मैं तवे पर डालकर हल्का हल्का सेक लूंगी। 1 छोटा चम्मच शुद्ध घी लेकर लो फ्लेम पर सेक लेती हूँ। ज़्यादा देर नहीं सेकेंगे, बस कुछ सेकेंड इसको सेकेंगे। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, चलाते रहना है नहीं तो ये जल जाएंगे। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। गैस के ऊपर मैंने कुकर रख दिया है, कोरमा में कुकर में बनाऊंगी, फटाफट बन जाएगा। कुकर में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाला है। अब कोरमा बना रहे हैं तो तेल तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही, अगर तेल ज़्यादा नहीं पसंद है तो अपने हिसाब से भी तेल डाल सकते हैं। तो मीडियम साइज की प्याज ली थी, इस तरह से मैंने इसके स्लाइस काट लिए हैं। सबसे पहले इस प्याज को मैं फ्राई करूंगी। तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं ये प्याज डाल देती हूँ। प्याज को लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। इसको चलाते रहना है ताकि ये चारों तरफ से एक जैसी फ्राई हो। देखिए प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। मैं गैस की फ्लेम को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देती हूँ और इस प्याज को निकाल लूंगी। प्याज मैंने निकाल ली है, अब गैस की फ्लेम को फिर से मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डालूंगी। 3 तेज पत्ते, 1/2 छोटा चम्मच साजीरा, 1 बादिया का फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, 8-10 काली मिर्चें, 4 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची है, मैं इसमें डाल देती हूँ। कुछ सेकेंड के बाद इसमें मैं ये मेरीनेट किया हुआ मटन डाल देती हूँ। मीडियम फ्लेम पर इस मटन को मैं चलाते हुए 15 मिनट तक अच्छी तरह भूनूंगी। जो प्याज मैंने फ्राई करके निकाली है उसको मिक्सर में दरदरा पीस लेती हूँ। देखिए कितने अच्छी तरह से मसाले भून रहे हैं। इस तरह से भूनने से मसालों का जो कच्चा पानी है वो भी दूर हो जाएगा और जो गोश्त के साथ साथ वो भी पक्का रहेगा। चलिए तो इसको अब मैं भून से देती हूँ चलाते हुए। मसालों को मैंने 15-20 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें मैं 1 कटोरी पानी डालूंगी। जिस जार में मैंने मसाले पीसे थे उसी जार खंगाल कर मैंने ये पानी लिया है। 1/2 कटोरी पानी और डाल देती हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इतना पानी डालना है अभी ही डालने, क्योंकि जब हम इसमें विसल लगा लेंगे इसके बाद पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। देखिए बोटी अच्छी तरह से डूब रही। अब इस कुकर का मैं ढक्कन बंद कर दूँगी और हाई फ्लेम पर इसमें 5 सीटी लगा लेती हूँ। कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है। अब इसको मैं देख लेती हूँ। देखिए एक पीस मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए अच्छी तरह से गोश्त गल चुका है। इसको बस इतना ही गलाना है, ज़्यादा हलवा नहीं करना है, क्योंकि इसको अभी हम मसालों के साथ 15 मिनट और भूनेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम लो रखा है। अब इसमें मैं बाकी के बचे हुए मसाले डाल देती हूँ। खसखस, बादाम और नारियल का मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है, ये डाल दूंगी। जो फ्राई की हुई प्याज थी इसको मैंने इस तरह से दरदरा पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इन मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह भून लूंगी। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और अच्छा गाढ़ा होने तक इसी तरह इसको मैं भूनते रहूँगी। देखिए मसाले अच्छी तरह से भून रहे हैं, तेल अलग होना शुरू हो गया है। अभी मैं इसको और भूनूंगी। मसाले और गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से भून चुके हैं, सारा तेल अलग हो चुका है। इस समय नमक देख सकते हैं, नमक हम अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। इस कोरमे की कंसिस्टेंसी मैं इतनी ही रखूंगी, ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करूंगी। बहुत ही अच्छी तरह से ये कोरमा बना है। इसमें मैं 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच भुंजा हुआ जीरा पाउडर डाल देती हूँ। मिक्स कर लूँगी और 2 मिनट और भून लेती हूँ लो फ्लेम पर, ताकि गरम मसाला और जीरो का फ्लेवर भी कोरमे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसे धनिया पत्ती डाल दूंगी। गैस की फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ। धनिया पत्ती को मिक्स करके इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दानेदार मटन कोरमा बन चुका है। इसको मैंने भोपाली स्टाइल से बनाया है, बहुत ही जायकेदार बेहतरीन मटन कोरमा बना है। इस आने वाली ईद पर इस तरह से आप भी ये मटन कोरमा जरूर बनाइए, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, सभी आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।